दोस्तों अगर आप YouTube पर एक न्यू क्रिएटर से और आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड करने की बात ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 व्यूज़ आते हैं और उसके बाद दोस्तों आपके वीडियो पर व्यूज़ आना बंद हो जाता है, तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि आप काफ़ी टेंशन करते होंगे कि आपके वीडियो पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहा है। दोस्तों मुझे पता है कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी दोस्तों मुश्किल होता है, और दोस्तों इतना टाइम लगाने के बाद जब आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है तो दोस्तों दिल टूट जाता है। दोस्तों ये मुझे पता है, लेकिन दोस्तों देखिए आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यानी कि दोस्तों YouTube पर जितना नया क्रिएटर्स आते हैं सारे क्रिएटर्स के साथ दोस्तों एक ही प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करने के बाद YouTube ने काफ़ी कम व्यूज़ देता है। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि YouTube पर एक वीडियो अपलोड करने के बाद YouTube ने इस वीडियो को इम्प्रेशंस देता है, और दोस्तों फर्स्ट टाइम जब वीडियो आप अपलोड करते होंगे यानी कि एक न्यू चैनल पर जब वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद दोस्तों YouTube ने इम्प्रेशन जो है काफ़ी कम देता है, और काफ़ी कम इम्प्रेशंस की वजह से आपकी जो वीडियो है वीडियो लोग काफ़ी कम देखते हैं। इसलिए दोस्तों आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपकी वीडियो पर इम्प्रेशंस कैसे इंक्रीज़ करना है, जब तक दोस्तों आपकी वीडियो पर आप इम्प्रेशन जो है इंक्रीज़ नहीं करोगी तब तक आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो दोस्तों एक न्यू चैनल पर व्यूज़ कैसे लाना है इस वीडियो में सारी की सारे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा जो पहचान है आपको मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों मेरा ये नया चैनल है और मैं एक नया क्रिएटर्स नहीं हूँ, मेरा और एक चैनल है जिस चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा यूट्यूब के ऊपर 3 साल की एक्सपीरियंस है, और जो मेरा 3 साल की एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों मैं ये चैनल नया ओपन किया है, यानी कि यह नया चैनल मैंने बनाया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये खास करके शेयर करने वाला हूँ एक भाई की नाते और एक सिस्टर की नाते। जैसे कि दोस्तों अगर आपकी चैनल बिल्कुल नया है और आपके चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद अगर आपके वीडियो पर 8 से 10 व्यूज़ आते हैं और उसके बाद दोस्तों व्यूज़ आना बंद हो जाता है, तो ऐसे में दोस्तों आपकी वीडियो पर आप कैसे व्यूज़ ला सकते हो। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, दोस्तों देखिए आप एक न्यू क्रिएटर से और आपको शायद इतना कुछ पता नहीं होगा कि YouTube पर कैसे काम करना है और YouTube पर कैसे वीडियो अपलोड करना है, YouTube की जो थंबनेल है यानी कि वीडियो की जो थंबनेल है थंबनेल कैसे बनाना है, YouTube वीडियो की SEO कैसे करना है, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन पर क्या लिखना है, टैग पर कैसे टैग सेट करना है, टैग पर जो टैग आप सेट करते हो तो वो सर्चेबल टैग आप कैसे फाइंड करना है, कैसे टैग फाइंड करके सेट करना है। दोस्तों आप जो टॉपिक आप फाइंड करते हो या टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो या पुराना टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, दोस्तों आपको शायद ये पता नहीं, इसलिए दोस्तों आपकी वीडियो पर व्यूज़ बहुत ही कम आ रहा है। दोस्तों देखिए एक वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ होता है कि वीडियो की जो थंबनेल है दोस्तों एक HD क्वालिटी थंबनेल होना चाहिए। और दोस्तों आज के डेट में अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हो और YouTube पर वीडियो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हो तो दोस्तों जो थंबनेल आप बनाओगी इस थंबनेल पर कुछ ना कुछ दोस्तों क्लिकबेट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में YouTube पर काफ़ी कंपटीशन है। और दोस्तों अगर आपकी जो वीडियो की जो थंबनेल है थंबनेल आप नॉर्मल तरीके से बनाओगी तो आपकी जो वीडियो है वीडियो पर कोई क्लिक नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों YouTube पर जो ऑडियंस है ऑडियंस काफ़ी समझदार है, काफ़ी आज के डेट में काफ़ी समझता है और एक वीडियो के ऊपर क्लिक करने से पहले काफ़ी जांच करता है, उसके बाद दोस्तों एक वीडियो के ऊपर क्लिक करता है। इसके लिए दोस्तों एक थंबनेल HD क्वालिटी होना चाहिए और इस थंबनेल के ऊपर कम से कम दोस्तों कुछ ना कुछ क्लिकबेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों देखिए आज के डेट में अगर यूट्यूब पर आप एक यूट्यूबर बनना है और यूट्यूब से पैसा कमाना है तो दोस्तों आपके कंटेंट पर दम होना चाहिए, तब दोस्तों आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए जो रियलिटी है दोस्तों मैं खास करके एक भाई और एक बहन की नाते मैं आपसे दिल खुल के आपको बता रहा हूँ। दोस्तों शायद यूट्यूब पर कोई ऐसा नहीं बताता है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाना है। दोस्तों YouTube पर काफ़ी यूट्यूबर आप देख सकते हो, लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है बिल्कुल ही नहीं बताते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि अगर रियलिटी जो है YouTube का जो रियलिटी है रियलिटी बताने से आप एक दिन यूट्यूबर बन जाओगी। इसलिए दोस्तों बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं और छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूबर्स यूट्यूब से पैसा कमा रहा है ये लोग जो सच बात होता है ये कभी भी आपको नहीं बताते हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी बार जांच किया है, दोस्तों मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों एक यूट्यूबर ने
YouTube पर सही से वीडियो कैसे अपलोड करना है, इस तरह एक वीडियो बनाया है। और जो वीडियो मैंने एक बार पूरा वॉच किया है, उसके बाद दोस्तों मैंने देखा कि वीडियो पर जिस तरह कहा है कि इस तरह भाई वीडियो अपलोड करना है, और उसके बाद दोस्तों इस वीडियो की SEO मैंने चेक किया है। तो SEO जब मैंने चेक किया है, उसके बाद दोस्तों मुझे पता चला कि जिस तरह वीडियो पर बताया है बिल्कुल अलग से वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऑडियंस को किस तरह बताया जा रहा है और खुद कैसे वीडियो अपलोड कर रहा है। इसलिए दोस्तों आप हर एक क्रिएटर्स के ऊपर यकीन नहीं करना है दोस्तों, आपको बार बार जांच करना है, उसके बाद दोस्तों वीडियो के ऊपर यकीन करना है। दोस्तों देखिए, एक न्यू चैनल की वीडियो पर व्यूज लाने के लिए दोस्तों 4 से 5 तरीका होता है। जैसे कि दोस्तों ये रियलिटी जो है, ये रियल तरीका होता है, ये रियल तरीका आपको यूज करना है, उसके बाद दोस्तों आपके वीडियो पर आप व्यूज ला सकते हो। दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल आप नोट कीजिए दोस्तों, एक दिन आप जरूर 100% आप पछताओगी। अगर मेरा बात आप नहीं मानोगी तो आप 100% एक दिन पछताओगी मैंने क्यों इस बाइक की बात नहीं मानी। दोस्तों देखिए, आज की डेट में आपके वीडियो पर व्यूज लाने के लिए दोस्तों आपको SEO सही से करना होता है। दोस्तों मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप दिल से काम कीजिए। जैसे कि दोस्तों एक थंबनेल की बात आपको टाइटल लिखना होता है। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ, यानी कि डायरेक्ट मैं मुंह से आपको कह रहा हूँ कि इसी तरह आप काम करना है। दोस्तों आप जरा सुनिए और उसके बाद दोस्तों आपके वीडियो पर आप इस तरह काम कीजिए। जैसे कि दोस्तों एक HD क्वालिटी थंबनेल बनाने के बाद आपकी जो वीडियो है, वीडियो अपलोड करने के समय आपकी जो वीडियो की टाइटल है, टाइटल दोस्तों आपको हर बार इंग्लिश में टाइप करना है। जैसे कि दोस्तों YouTube की जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को इंग्लिश पता है, हिंदी बिल्कुल पता नहीं। दोस्तों देखिए, YouTube की जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को 100 में से 90% इंग्लिश पता है और 10% हिंदी पता है। इसलिए दोस्तों आपकी जो वीडियो है, वीडियो के टाइटल पर आप कभी भी हिंदी नहीं लिखना है। अगर दोस्तों आप हिंदी लिखना है तो इंग्लिश से हिंदी लिखिए, तब भी दोस्तों आपकी जो वीडियो है सही ऑडियंस पर यूट्यूब ने भेजता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपके वीडियो पर व्यूज लाने के लिए फर्स्ट टाइम वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पर आपको क्या करना है कि जो टाइटल है, टाइटल कॉपी करके पेस्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों और नीचे क्या करना है कि जो सर्चेबल टैग होता है, टैग डिस्क्रिप्शन पर डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 हैशटैग डालना है, इससे ज्यादा एक हैशटैग यहाँ पर नहीं लिखना है। दोस्तों देखिए, याद रखना, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ज्यादा से ज्यादा 3 हैशटैग देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि एक वीडियो पर व्यूज लेने के लिए और क्या क्या काम करना है। दोस्तों देखिए, एक वीडियो पर व्यूज लाने के लिए काफी मेहनत करना होता है, उसके बाद दोस्तों आपकी जो वीडियो है, वीडियो पर व्यूज आप ला सकते हो। जैसे कि दोस्तों जो टैग हम लोग सेट करते हैं, टैग दोस्तों एक एक टैग सर्च करके, सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन कितना है, ओवरऑल कितना है, दोस्तों ये सारा कुछ चेक करके एक एक टैग आपकी टैग लिस्ट जो है, जहाँ पर टैग सेट करना है, यहाँ पर दोस्तों टैग फिट करना है। और दोस्तों ये जो वीडियो है, वीडियो की SEO कंप्लीट मान लीजिए हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपकी जो वीडियो है, वीडियो की फर्स्ट 30 सेकेंड, यानी कि वीडियो की फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर ऐसा बात बोलना है जिस बातों से आपकी जो ऑडियंस, यानी कि जो ऑडियंस ने आपकी वीडियो पर क्लिक करता है, ऑडियंस को लगता है कि ये जो वीडियो है पूरा देखना है। तो दोस्तों 30 सेकंड के अंदर ऐसा एक बात बोलना है जिस बातों से आपकी जो वीडियो है पूरा ऑडियंस देखने के लिए मन करता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि 30 सेकंड के अंदर, इसको कहा जाता है इंट्रो, यानी कि 30 सेकंड के अंदर एक इंट्रो आपको क्रिएट करना है। वीडियो बनाने से पहले दोस्तों लगभग आधा घंटे से एक घंटा सोचना होता है कि आज की इस वीडियो जो है, वीडियो की फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर क्या बोलना है, किस बातों से लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया इंट्रो की बात, और दोस्तों आप क्या करना है, दोस्तों बाकी जो वीडियो है, वीडियो के अंदर आपको क्या करना है। दोस्तों देखिए, आप एक न्यू क्रिएटर से और आपकी जो वीडियो है, वीडियो ऑडियंस ने काफी कम पसंद करता है, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपकी वीडियो ऑडियंस को पसंद करने के लिए आपकी जो वीडियो है, वीडियो पर वीडियो फुटेज ऐड करना होता है। यानी कि दोस्तों हर एक बातों पर वीडियो फुटेज आप सेट करना है, यानी कि वीडियो फुटेज ऑडियंस देख देख कर आपकी पूरा वीडियो
जैसे ऑडियंस वॉच करेंगे। इसलिए दोस्तों आपके वीडियो पर वीडियो फुटेज ऐड करना है। दोस्तों देखिए जो छोटे छोटे सेटिंग्स होते हैं, ये छोटे छोटे सेटिंग्स के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। और दोस्तों 100 में से 99% लोग ये गलती करते हैं कि वीडियो स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम कहते हैं कि भाई अगर मेरा चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों भाई ये बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों ये गलतियाँ कभी भी नहीं करना है। दोस्तों अगर आप कहना चाहते हो ऑडियंस को कि आपकी जो चैनल है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप कहना चाहते हो, तो वीडियो की लास्ट में इसको कहा जाता है कॉल टू एक्शन, यानी कि वीडियो की लास्ट में दोस्तों आपकी ऑडियंस को आप बता सकते हैं कि भाई अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों आप बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम ये बात नहीं बोलना है। और दोस्तों ये भी आप बता सकते हो कि भाई अगर इस वीडियो की क्या राय है, इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, यह भी आप बता सकते हो। लेकिन दोस्तों वीडियो की एंड में यह आपको बताना है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम बताते हो तो ऑडियंस को बुरा लगता है और वीडियो वहीं पर छोड़ के ऑडियंस जो है चला जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना है, इस चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।